बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू द पॉइंट नर्सिंग चैनल। फार्माकोलॉजी पार्ट टू में आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के फर्स्ट स्टेप एब्जॉर्प्शन के बारे में। इसमें हम आज बात करेंगे कि एक मेडिसिन जो है किस तरह हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और देन वो इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। एब्जॉर्प्शन को समझने के लिए हम एक टैबलेट की एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम एक टैबलेट जो है मुँह में डालते हैं तो थ्रू एसोफेगस हमारे स्टमक में जाता है और वहाँ पर वो जो टैबलेट है वो डिसइंटीग्रेट होता है, डिसॉल्व होता है डिफरेंट स्टमक फ्लूइड्स में, स्टमक जूसेस में, और वहाँ से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है वहाँ से एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है। अगर हम आम तौर पर बात करें तो एब्जॉर्प्शन हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से हो सकता है। वो हमारे लंग्स से हो सकता है, नेजल कैविटी से हो सकता है, आइस की सकता है, और या टॉपिकल जो क्रीम हम अप्लाई करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन मेन जो एब्जॉर्प्शन साइट है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि यहाँ पर एक रिच ब्लड सप्लाई होती है, तो एक बेहतरीन ब्लड सप्लाई की वजह से यहाँ पर एक बेहतरीन एब्जॉर्प्शन होती है। जैसे ही हमारा मेडिसिन जो है वो स्टमक लाइनिंग से एब्जॉर्ब होती है और ब्लड में शामिल होती है, तो यही ब्लड जो है थ्रू पोर्टल वेन जो है लीवर से गुजरता है और वहाँ पर इसकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है। लीवर में थोड़ा सा मेडिसिन जो है वो मेटाबोलाइज होता है, जो फिर इनएक्टिवेट हो जाता है, और कुछ जो मेडिसिन रह जाता है वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है। वही जो बचा हुआ मेडिसिन है जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में शामिल होता है वही हमारी बॉडी को इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था कि फार्माकोकाइनेटिक्स जो है टू वर्ड्स से मिलकर बना है। फार्माको मीन्स ड्रग और काइनेटिक्स, और काइनेसिस मीन्स मूविंग। यानी फार्माकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन टू, अराउंड एंड आउट ऑफ द बॉडी। किस तरह हमारी बॉडी में मेडिसिन या ड्रग इंटर होती हैं, देन बॉडी में किस तरह सर्कुलेट करती है, एंड देन वो किस तरह एलिमिनेट होती है, तो इसको कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। जैसे हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारे पास बेसिकली फोर स्टेप्स हो रहे होते हैं, फोर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जिसमें पहला प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। तो इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि बॉडी में एब्जॉर्प्शन किस तरह होती है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इज द ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम। यानी जहाँ पर हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं वहाँ से वो ब्लड स्ट्रीम तक किस तरह पहुँच रहा है, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एडमिनिस्ट्रेशन साइड भी हमारे पास डिफरेंट है और डिफरेंट रूट्स हैं जहाँ पर हम ड्रग्स जो है एडमिनिस्टर कर सकते हैं। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास आता है IV, परोरल, IM, सबक्यूटेनियस, सबलिंगुअल। ये डिफरेंट रूट्स जो हैं हमारे पास रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है ड्रग किस तरह एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में यानी सर्कुलेशन में जाता है, इसके मैकेनिज्म हम आज पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास मेन फोर मैकेनिज्म है, जिसमें पहले आता है सिंपल और पैसिव डिफ्यूजन, देन आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फेगोसाइटोसिस। एज वी नो दैट एब्जॉर्प्शन हमारे पास सेल मेम्ब्रेन से होती है, तो पहले हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, यानी इसमें दो लेयर्स हैं, एक एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर है एंड देन इंट्रा सेलुलर लेयर है। हर एक लेयर जो है उसमें एक हाइड्रोफोबिक टेल होता है, एक अनहाइड्रोफिलिक टेल होता है। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। पैसिव डिफ्यूजन में हमारे पास क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से डिफ्यूज होते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। पैसिव डिफ्यूजन डज नॉट इन्वॉल्व ए कैरियर, यानी इसमें हमें कैरियर की ज़रूरत नहीं होती कि एक मॉलिक्यूल आए और ड्रग को उठाए और ब्लड स्ट्रीम में उसको शामिल करे, इसकी में कैरियर की हमें ज़रूरत नहीं होती। नॉट सैचुरेबल, इसमें हमारे पास सैचुरेशन नहीं आती, एंड शोज लो स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी, और इसमें इस तरह नहीं है कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूल जो हैं वो क्रॉस हो सकते हैं और जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रॉस नहीं हो सकते। यानी इसमें हर किस्म के मॉलिक्यूल, हर किस्म के स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूल जो हैं वो क्रॉस हो सकते हैं। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स आर एब्जॉर्ब बाय दिस मैकेनिज्म, और जो है सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन जो है पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होती है। सबसे वास्ट एब्जॉर्प्शन जो है वो पैसिव डिफ्यूजन की वजह से होती है। सिंपल और पैसिव डिफ्यूजन, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स आयोनाइज्ड और पोलर इज रेडिली एब्जॉर्ब्ड बाय डिफ्यूजन थ्रू एक्वस चैनल्स और पोर्स इन सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास लिपिड बायलेयर है, और इस लिपिड बायलेयर में जो है कुछ वाटर पोर्स है, एक्वस चैनल है, तो जो एक्वस चैनल है वहाँ से जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं, जो आयनाइज्ड या पोलर ड्रग्स होते हैं, वो एक्वस चैनल के थ्रू जो है डिसॉल्व होकर सेल के अंदर जा सकते हैं, और जो लिपिड बायलेयर है
वहाँ से ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो हैं वो क्रॉस हो सकती हैं, यानी कि जो नॉन आयनाइज्ड हैं, नॉन पोलर ड्रग्स जो हैं वो लिपिड बायलेयर से क्रॉस हो सकती हैं। ये हमारे पास पिक्चर है लिपिड बायलेयर की, जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक फर्स्ट लेयर है एंड देन ये सेकेंड लेयर है। ये हमारे पास एक्वास्पोर है, जो हमारे पास आयनाइज्ड ड्रग होते हैं, जो हमारे पास चार्ज ड्रग्स होते हैं वो यहाँ से पास होकर सेल के अंदर जाते हैं, और जो हमारे पास नॉन आयनाइज्ड ड्रग्स होती हैं और जो है लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं तो वो यहाँ से डायरेक्ट आ सकती हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पहले हमने बात की पैसिव डिफ्यूजन की। पैसिव डिफ्यूजन में होता है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं वो इजीली जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्यों यूज़ होती है, जो मॉलिक्यूल्स लार्ज इन साइज होते हैं जो कि खुद ब खुद सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, उनको कैरियर की ज़रूरत होती है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं, सेल के अंदर जाते हैं। अदर एजेंट्स कैन इंटर द सेल थ्रू स्पेशलाइज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स that facilitate the passage of large molecule. These carrier proteins allow the passage of drugs or endogenous molecules into interior of cell. This process is known as facilitated diffusion. यानी जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जो खुद ब खुद सेल के अंदर नहीं जा सकते, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू कैरियर प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं और वो सेल के अंदर जाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दिस मोड ऑफ ड्रग एंट्री आल्सो इन्वॉल्व स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स दैट स्पेन द मेम्ब्रेन। यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की तरह कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में ये डिफरेंस होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी भी चाहिए होती है, जो ड्रग हम मूव करवाते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए होता है, और यूजुअली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास अगेंस्ट द ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होती है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट हमारे पास डिफ्यूजन होती है, यानी इसमें हमारे पास लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है ड्रग जा रही होती है, तो उसके लिए एनर्जी भी चाहिए होती है और कैरियर भी चाहिए होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे हमने पहले बात की कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास ड्रग जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रही होती है, यहाँ पर आप देखें यहाँ पर ड्रग ज़्यादा है, बहुत सारे डॉट्स हैं जो हमारे पास डॉट डॉट रेड नज़र आ रही हैं हमारे पास ड्रग को इसको कंसिडर करें, तो यहाँ से अगर ड्रग जाएगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ तो ये विदाउट कैरियर जाएगा, विदाउट एनर्जी जाएगा, लेकिन अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें इसमें हमारे पास उल्टा हो रहा है, इसमें जहाँ पर हमारे पास ड्रग ऑलरेडी ज़्यादा है वहीं पर जो है फर्दर ड्रग जा रहा है, यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हमारा ड्रग फर्दर आ रहा है, तो इसके लिए हमारे पास कैरियर प्रोटीन भी चाहिए और इसमें हमारे पास एनर्जी भी चाहिए ATP। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो ये तीन मैकेनिज्म्स को कंपेयर किया गया है। फर्स्ट है पैसिव डिफ्यूजन, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ रहा होता है तो ये पैसिव होता है, इसमें कोई कैरियर की ज़रूरत नहीं होती और कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आता है, इसमें भी हमारे पास हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आता है, लेकिन क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल साइज ज़्यादा बड़ा होता है तो उनको कैरियर चाहिए होता है कि वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन, जिसमें एक हमारे पास कैरियर चाहिए होता है कि ड्रग जो है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जाए, देन हमें जो है एनर्जी भी चाहिए होती है जिसको हम कहते हैं ATP हमें चाहिए होता है। फेगोसाइटोसिस, फोर स्टेप है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में हमारे पास आता है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, अपटेक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड पार्टिकल्स। इसमें जो ड्रग है वो मेम्ब्रेन के करीब जाता है और इसकी मेम्ब्रेन में एक स्मॉल सा पाउच बनता है और उस पाउच के अंदर ड्रग एक्युमुलेट होता है, जमा होता है, और वो पाउच पिंच ऑफ होता है और वो ड्रग जो है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर चला जाता है। एक्सोसाइटोसिस में इसी के अपोजिट होता है, जिस ड्रग को सेल से आउटवर्ड आना होता है, जो बाहर आना होता है, तो वो सेल मेम्ब्रेन के करीब आता है, अगेन एक स्मॉल सा पिंच बनता है और वो जो है ड्रग सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल से बाहर आ जाता है। हाई मॉलिक्यूलर वेट ड्रग्स और हाई लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स, मेनली जो है हमारे पास जिन मॉलिक्यूल्स का वेट ज़्यादा होता है, जिन ड्रग्स का वेट ज़्यादा होता है और जो इनसॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो फेगोसाइटोसिस के थ्रू जो है वो सेल में इंटर होते हैं और एग्जिट होते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अब डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो हमारी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहे होते हैं, एक एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें पहले आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, देन pH, मॉलिक्यूलर साइज, सरफेस एरिया, ब्लड फ्लो,
कॉन्टैक्ट टाइम एट द एब्जॉर्प्शन सरफेस, एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन। एक एक को हम डिटेल से पढ़ते हैं कि किस तरह ये हमारी एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएट एंड कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। आईवी मेडिसिन हम डायरेक्टली वेन में इंजेक्ट कर देते हैं, तो 100% जो हम ड्रग इंटर करते हैं बॉडी में तो हम 100% इफेक्ट देता है, एज़ कम्पेयर टू अदर रूट्स के जो हम दूसरे रूट से मेडिसिन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ओरल मेडिसिन की बात करें तो पहले वो स्टमक में जाती है, स्टमक का पीएच उसको अफेक्ट कर रहा होता है, कुछ मेडिसिन को जो है ब्रेक डाउन कर देता है, कुछ मेडिसिन को डिग्रेड कर देता है, तो उस तरह हमें फुल इफेक्ट नहीं मिल रहा होता है। तो डिफरेंट रूट्स जो है एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। पीएच, मोस्ट ड्रग्स आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और बेसिस, सो दे अंडरगो आयनाइजेशन। आयनाइजेशन ऑफ ड्रग रिड्यूसेस इट्स एबिलिटी टू परमिएट। जैसे मैंने पहले बात की कि कुछ ड्रग्स जो है वो वीक एसिड होते हैं, कुछ वीक बेसिस होते हैं, और जब ये स्टमक में जाते हैं तो वहाँ का पीएच जो है इनको अफेक्ट कर रहा होता है, और जब ये पोलराइज होते हैं तो इनकी एब्जॉर्प्शन जो है मुश्किल हो जाती है। अ ड्रग इज़ प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एज बोथ द लिपिड सॉल्युबल डिफ्यूजिबल नॉन आयनाइज्ड फॉर्म एंड आयनाइज्ड फॉर्म लिपिड मॉलिक्यूल एंड पुअरली डिफ्यूजिबल अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। ड्रग जो है हमारे पास सॉल्यूशन में लिपिड सॉल्युबल फॉर्म में भी हो सकता है, डिफ्यूजिबल फॉर्म में भी हो सकता है, और नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में भी हो सकता है। जो आयनाइज्ड फॉर्म होता है वो मुश्किल से जो है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। मॉलिक्यूलर साइज, पहले हमने बात की कि जितना मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल होगा इतनी ईजीली वो जो है सेल मेम्ब्रेन क्रॉस होगा और एब्जॉर्ब होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। दो ड्रग हैं, एक हम 500 mg में ले रहे हैं, एक हम 1000 mg में ले रहे हैं, तो ये इनकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है। तो जो 500 mg की कॉन्सेंट्रेशन है उसका इफेक्ट हमें जो है डिले मिलेगा, और जो अगर हम 1000 के मेडिसिन ले रहे हैं उसका इफेक्ट हमें जल्दी मिलेगा। सरफेस एरिया, द मोर एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया द मोर एब्जॉर्प्शन। इसको हम समझने के लिए हम दो एग्जांपल लेते हैं, एक हम आई का सरफेस एरिया लेते हैं और एक जो है हम इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया लेते हैं। तो सरफेस एरिया जो है हमारे पास इंटेस्टाइन का ज़्यादा है। अगर एक ड्रग जो है हम इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्प्शन करवाएंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी और इसका इफेक्ट हमें ज़्यादा मिलेगा, और अगर एक ड्रग हम डायरेक्ट आई पे डालते हैं तो उसका सरफेस एरिया आई का कम है तो एब्जॉर्प्शन कम होगी और इफेक्ट हमारे पास कम आएगा। ब्लड फ्लो, द इंटेस्टाइन रिसीव्स मच मोर ब्लड फ्लो देन द स्टमक, सो एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन इज़ फेवर्ड ओवर द स्टमक। दो ड्रग लेते हैं, एक हमारे पास स्टमक से एब्जॉर्ब होता है और एक हमारे पास इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, तो आप बताएं कि इसमें कौन सा ड्रग जो है ज़्यादा क्विकली एब्जॉर्ब होगा। जैसे हमने पहले बात की कि जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और ब्लड फ्लो टू जिस ऑर्गन को ज़्यादा होगा उसमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, तो स्टमक में हमारे पास ब्लड फ्लो एज़ कम्पेयर टू इंटेस्टाइन कम होता है, तो स्टमक से जो ड्रग एब्जॉर्ब होगा उसकी एफिकेसी या उसका इफेक्ट जो है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन के। कॉन्टैक्ट टाइम एट द एब्जॉर्प्शन सरफेस, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो हमारे पास ड्रग है वो अपने एब्जॉर्प्शन साइट पे उसका कॉन्टैक्ट टाइम कितना होता है, कितने टाइम के लिए वो रहता है। जितने ज़्यादा टाइम के लिए वो रहेगा उतने ज़्यादा टाइम के लिए एब्जॉर्ब होगा और वो इफेक्ट दिखाएगा। अगर कोई ड्रग जो है एब्जॉर्प्शन सरफेस पे कम टाइम के लिए रहता है तो वो कम एब्जॉर्ब होगा और इसका इफेक्ट कम होगा। कॉन्टैक्ट टाइम में हम एग्जांपल लेते हैं एक नॉर्मल पर्सन की और एक पर्सन जो वॉमिटिंग कर रहा है, जो सिक होता है। एक ही ड्रग हम दोनों को देते हैं, फॉर एग्जांपल हम उनको देते हैं डोमिपेरिडॉन देते हैं। जो नॉर्मल पेशेंट है उसमें डोमिपेरिडॉन लॉन्ग टाइम के लिए इंटेस्टाइन में रहेगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट टाइम उसका ज़्यादा होगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो इफेक्ट दिखाएगा। लेकिन जो एक पर्सन सिक है एक्टिव फेस में उसकी वॉमिटिंग चल रही है, जब हम उसको डोमिपेरिडॉन देंगे तो थोड़ी देर बाद वो वॉमिट कर देगा, तो उसका कॉन्टैक्ट टाइम जो है वो एब्जॉर्प्शन साइट पे कम हो जाता है, वो वॉमिट कर देता है, उसकी वजह से जो है उसका इफेक्ट पर मेडिसिन का नहीं आता। तो कॉन्टैक्ट टाइम एट द एब्जॉर्प्शन सरफेस जो है बहुत ज़रूरी है। एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन, पी ग्लाइकोप्रोटीन जो है हमारे पास एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट एवरी सेल मेम्ब्रेन सरफेस पे मौजूद होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि ये सेल में जो ड्रग होती है उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं, इसको एक्सपेल आउट करते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस इन टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग द लिवर, किडनी, प्लेसेंटा, इंटेस्टाइन, ब्रेन, कैपिलरीज, यानी ये डिफरेंट ऑर्गन्स के सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद होता है। दैट इज़ इट pumps the drug out of cell. Thus, in the area of high expression, P glycoprotein reduces drug absorption. तो जिन एरिया में P glycoprotein की एक्सप्रेशन ज़्यादा होगी तो ड्रग जो है वो
एक्सपेल आउट होगा, फ्री रेडिकल प्रोटीन जो है सेल में ड्रग को रहने नहीं देगा, उसको एक्सपेल आउट करेगा, तो उसकी जाहिर पर इफेक्ट कम होगा। बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज ड्रग रीचिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन बाय एनी रूट। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग क्या होता है, वो ड्रग जो कि अनचेंज जो है, अनअफेक्टेड जो है हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, उसको कहते हैं कि ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी। जैसे मैंने पहले बताया, कोई भी ड्रग जो हम लेते हैं आफ्टर एब्जॉर्प्शन, वो थ्रू पोर्टल वे जो है हमारे लीवर से क्रॉस होता है, वहाँ पर इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, और कुछ ड्रग वो वहाँ पर मेटाबोलाइज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और जो ड्रग हमारे पास अनचेंज होता है, अनमेटाबोलाइज होता है, वही जो अनमेटाबोलाइज ड्रग है वो हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाता है और वो इफेक्ट दिखाता है। तो जिन ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होगी तो उसका इफेक्ट अच्छा होगा, और बायो अवेलेबिलिटी डिफरेंट रूट पे भी डिपेंड करता है। यानी अगर हम आईवी मेडिसिन लें, जब हम कोई मेडिसिन डायरेक्टली इंजेक्ट करें वेन में, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, क्योंकि वो लीवर से पास नहीं होती। और अगर कोई ड्रग हम थ्रू माउथ ले, थ्रू ओरल ले, तो वो पहले स्टमक में जाती है, देन इंटेस्टाइन में जाती है, इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब होती है और थ्रू पोर्टल वेन लीवर से पास होती है और उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। इफ़ 1 gram of dose of a drug is administered by mouth and half of that reaches the systemic circulation, the drug is 50% bioavailable. इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया है एक ड्रग का, अगर हम 1 gram कोई मेडिसिन लेते हैं माउथ के थ्रू और वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो है 50% पहुँचता है, तो हम कहते हैं कि इस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 50% है। यदि 50% तो है डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू लीवर मेटाबॉलिज्म, लेकिन 50% ये रह गया है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में शामिल हो गया है, तो इसे कहते हैं कि ये ड्रग 50% बायो अवेलेबल है। इंट्रावीनस रूट की हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी 100% है एज़ कम्पेयर टू आईवी। अगर हम ओरल ड्रग्स की बात करें, पहले वो स्टमक में जाएगी, देन जो है हमारे पास वो सर्कुलेशन में शामिल होगी। सर्कुलेशन में यही ब्लड जो है हमारे पास थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन जो है लीवर से पास होती है, यहाँ से पास होगी और यहाँ पर कुछ ड्रग जो है वो रिम्यूव हो जाएगा, यानी मेटाबोलाइज हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जो अमाउंट रह जाएगा वो हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन में शामिल हो जाएगा। जो हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है, जो ड्रग बच जाता है, उसको कहते हैं कि हम इसको हम कहते हैं कि ड्रग की इतनी बायो अवेलेबिलिटी है। ये डिफरेंट रूट्स है और इसके डिफरेंट बायो अवेलेबिलिटी है। इंट्रावीनस रूट की हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी 100% है, तो जब भी इमरजेंसी सिचुएशन होता है, हमें जो है क्विक रिस्पांस चाहिए होता है, तो हम इंट्रावीनस रूट जो है ड्रग देते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में हमारे पास 75-100% बायो अवेलेबिलिटी रहती है, यानी 75-100% जो है ड्रग वो हमारा सेफ हो जाता है, अनचेंज होता है और हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है और इफेक्ट करता है। सबक्यूटेनियस में भी हमारे पास 75-100% होता है, पर ओरल में हमारे पास 5-100% ड्रग जो है अनचेंज रह सकता है, यूवी करता है ड्रग टू ड्रग। देन पररेक्टल है, पररेक्टल में हमारे पास 30-100% जो है बायो अवेलेबिलिटी होती है। इनहेलेशन में अगेन हमारे पास 5-100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, यानी हमारे पास इतने रेंज में हो सकता है कि ड्रग अनचेंज हो, सिस्टमिक सर्कुलेशन में शामिल हो जाए। ट्रांसडर्मल में 80-100% होता है। कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, देन केमिकल इंस्टेबिलिटी, नेचर ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन। इन सबको हम बारी बारी डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, द एलिमिनेशन ऑफ ड्रग दैट अकर्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन बट बिफोर इट इंटर्स द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यानी ड्रग की वो एलिमिनेशन जो कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में शामिल होने से पहले हो जाती है, उसको कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसमें पहले मैंने डिस्कस किया कि ड्रग जो है पहले एब्जॉर्ब होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से और ये ब्लड में जाती है, और यही ब्लड थ्रू पोर्टल वेन जो है हमारी लीवर से क्रॉस होता है, और जब ये लीवर से क्रॉस होता है तो कुछ ड्रग जो है यहाँ पर चेंज हो जाता है, जिसको थोड़ा ड्रग जो है मेटाबोलाइज कर देता है, तो जो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो तो बॉडी से रिमूव हो जाता है, तो इसको कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। कुछ ड्रग को पहले ही सिस्टमिक सर्कुलेशन में शामिल होने से पहले ही बॉडी जो है उसको मेटाबोलाइज कर देती है, बॉडी से रिमूव कर देती है, तो इसको कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और जो ड्रग रह जाती है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में शामिल होती है, और यही जो बची हुई ड्रग है ये हमें इफ़ेक्ट देती है।
फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रिड्यूस अमाउंट ऑफ अनचेंज ड्रग इंटरिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसमें जो है हमारे पास अनचेंज ड्रग जो है बहुत कम रह जाती है और ये हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन में शामिल होती है। नेचर ऑफ द ड्रग फार्मूलेशन, दूसरी जो चीज़ बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करती है वो ड्रग फार्मूलेशन है, कि ड्रग किस फॉर्म में आ रहा है, उसका साइज़ क्या है। जितना स्मॉल साइज़ होगा जाहिर है वो इजीली जो है एब्जॉर्ब होगा, बायो अवेलेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। जो नॉन आयनाइज्ड होंगे तो वो ड्रग्स इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, उनकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। इंटेरिक कोटिंग की जो ड्रग्स होती हैं वो डिजॉल्व नहीं होती, लॉन्ग टाइम के लिए स्टमक में रहती है तो उसकी भी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। एंड द प्रेजेंस ऑफ एक्सीपिएंट्स सच एज बाइंडर्स एंड डिस्पर्सिंग एजेंट कैन इन्फ्लुएंस द ईज ऑफ डिसोल्यूशन एंड देयरफॉर द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। कुछ बॉडी में इस तरह मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ड्रग को अटैच हो जाते हैं और इसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, तो इसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी कम होती है और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमारे पास कम हो जाता है। पार्ट टू में आज हमने पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, किस तरह ड्रग जो है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन से उसकी एब्जॉर्प्शन होती है और हमारे ब्लड में जो है ड्रग शामिल होती है, और इसकी हमने डिफरेंट मैकेनिज्म पढ़े जिसमें हमने सिंपल और पैसिव डिफ्यूजन को पढ़ा, सेकेंड हमने पढ़ा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, थर्ड हमने पढ़ा एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें हमें एनर्जी की भी ज़रूरत होती है और हमारी करियर की भी ज़रूरत होती है, देन हमने पढ़ा फेगोसाइटोसिस किस तरह एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस होती है, देन हमने पढ़ा कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देन हमने ड्रग की पीएच और स्टमक की पीएच के बारे में बात की, हमने एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में बात की, और हमने बात की बायो अवेलेबिलिटी के बारे में कि किस तरह जो है हमारे ड्रग लीवर से पास होता है और हमें मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी किस तरह मिल सकती है, और हमने बात की कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में बात की और ड्रग फार्मूलेशन के बारे में बात की और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की। पार्ट थ्री में हम बात करेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।